जैसा कि आपको टाइटल से लग गया होगा कि ये वीडियो होने वाला है एक क्रैब वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो इससे पहले मैं आपका स्वागत करूं इस वीडियो में, बहुत मन मचल रहा था मेरा कुछ बोलने का। पहले मैं सोचा था कि वीडियो के कभी बीच में ये बात बोलूँगा जब क्रैब को घर लेकर आ जाऊँगा, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल हॉकर सेंटर तक वॉक कर रहा हूँ जहाँ से वो क्रैब उठाना है मेरे को। तो मैंने सोचा था कि ये बात तब बोलूँगा जब मैं घर पहुँच जाऊँगा, बट आई वाज़न्ट श्योर कि कहते हैं उस मोमेंट तक आप ये वीडियो देखोगे कि नहीं देखोगे। आप में से बहुत लोग कितने उस मोमेंट तक पहुँचोगे उस वीडियो के पार्ट पे जहाँ पे मैं ये बात बोलूँगा। तो मैं सोचा कि चलिए शुरुआत में ही बोलते हैं, एटलीस्ट शुरुआत का आप एक मिनट तक का वाला वीडियो तो एटलीस्ट देखोगे। तो मैं ये कहना चाहता था कि आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप काफ़ी दिलचस्पी रखते हो क्या कहते हैं आपके देश और दुनिया के खाने पीने से के खाने पीने को लेकर। और आई एम श्योर अगर आप ये दिलचस्पी रखते हो तो काफ़ी सारे आपने काफ़ी फूड ब्लॉगर्स को फॉलो करते हो, स्पेशली फिरंगी फूड ब्लॉगर्स को। आई एम श्योर मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन हम श्योर कहते हैं 4-5 काफ़ी फेमस फूड ब्लॉगर्स हैं फिरंगी, जिनकी काफ़ी ज़्यादा अपनी देसी फॉलोइंग भी है, जिनको आप फॉलो करते होगे। मेरी एक झोले की बस इतनी सी गुजारिश थी कि अगर आप उनको फॉलो करते हो, इतने सारे सब्सक्राइबर्स देसी जनता ने इन फिरंगियों को दे रखे हैं, उनमें से कुछ आप हमारे से देसी व्लॉगर्स को भी दीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एटलीस्ट मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे, जितना वो दिखाते हैं पूरी कोशिश आज नहीं तो कल आपको ज़रूर कोशिश करेंगे कि उतने ही हद तक दिखा पाएँ आपको, उसी तरह की बकचोदी देश और दुनिया के खाने की बकचोदी आपको दिखा पाएँ। और बस यही कहना था, सिंपल TLDR ये है कि अगर आप फिरंगियों को फॉलो करते हैं, फिरंगी फूड ब्लॉगर्स को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब कर रखा आपने, तो हमारे जैसे देसी फूड ब्लॉगर्स को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और कोशिश हम भी उतनी ही करते हैं, आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे। तो बस यही कहना था, होप मैं अपना मैसेज कन्वे करने में सक्सेसफुल रहूँगा। तो और बस यही, तो चलिए अब हॉकर सेंटर तक वॉक करते हैं, और ये वीडियो जैसा कि मैंने बोला कि आपका एक क्रैब फील्ड वीडियो होने वाला है। आगे थोड़ा सा बस पहुंचने वाला हूं मैं, मुश्किल से 2 मिनट 1 मिनट का वॉक और बचा हुआ है मेरे घर से क्रैब हॉकर सेंटर तक। तो बस पहुंचते हैं, उसके बाद आगे आपको क्रैब के दर्शन दिखाते हैं, कराते हैं। बट हाँ, स्वागत तो कर ही ले, मैंने शायद स्वागत नहीं किया आपका, जो लेके एक बार हम बकचोदी भरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं पहुँच गया हूँ उस हॉकर सेंटर पर जहाँ से मैं क्रैब लेने वाला हूँ। So you said these come from Indonesia? Indonesia. Okay. Mostly we all get the male one. But today, it's because there's lesser crab, we get a female one. So today we're going to eat a female crab. Oh, is it a female crab? It's a which, female. Which are better, like a male one or the female one? Female one is because inside there's a roe. Oh, that's good, right? Yeah, some people like that, but it's high cholesterol. Oh, high cholesterol? Okay, yeah. Okay. But the thing is, more of the, if people like the male one because of the pincer, there is more meat. In the middle one? Yes, correct. It this one will, the pincer is small. Oh, okay. Yeah, like okay. That time you see one is bigger. The bigger one? Yeah, correct. Okay. Oh, you tell me, so these are onion? This is onion. Okay. White pepper? White pepper. This one is curry leaf? Curry leaf. Yeah. Okay. So these are the ingredients that is inside the white pepper bread. Okay, okay. हलाल होता हुआ आपका क्रैब। सो दे एवरी डे दे कम फ्रॉम इंडोनेशिया? यस, समटाइम इज फ्रॉम श्रीलंका और समटाइम दे आर फ्रॉम श्रीलंका। सो यूजुअली यू से श्रीलंकन क्रैब्स आर यूजुअली कॉस्टलियर दैन इंडोनेशियन? से अगेन, क्रैब फ्रॉम श्रीलंका आर कॉस्टलियर दैन फ्रॉम? यस, डेफिनेटली। ओके ओके, एंड दिस इज यू सेड इज अ फीमेल वन? दिस इज अ फीमेल वन। ओके, हाउ यू आइडेंटिफाई व्हिच इज अ फीमेल? The female one is actually the round one here. Okay. The male one is actually like a triangle. Oh, the triangle. But without this round. Oh, got it. Okay, okay. So this one is a roe. Oh, this is a roe. Yeah, right. Yeah. You have to wash it later. You have to scrub away all the mud.
Oh, so you once you cut it, then I'm gonna after wash. I finish cutting. I okay. will actually wash it. So you take away the mud. Got it. Okay. Yeah. So usually these, we will. Some of them they don't actually crush it. Crush it. Yeah. Yeah. Otherwise, it's very difficult to eat it, right? Yes, correct. We keep the customer eating them, the patrons, the more easier way of eating it. Yeah, yeah, yeah. Instead of without the, because some of them do not have the. The equipment. Clippers, yeah, yeah. Clippers, yeah. Yeah, yeah. So we have to take out this thing, which is the duck. Okay. For how long? For how long have you been making this? Like your hands are so expertise now. I have been doing this exactly 20 years. 20 years? Oh man. इन्होंने काट लिया इसके बाद. मैं कह रहा था इन्होंने इसे काट पीट लिया इसकी सफाई करेंगे. और मैं शॉप के बाहर से खड़ा होकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. ऑब्वियसली छोटी सी शॉप्स होती हैं आपकी हॉकर सेंटर की, तो आप अंदर जाके सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो. कम स्पेस है, तो बाहर से जितना रिकॉर्डिंग सकती है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. झोला आपका शाकू देखिए आप, भयंकर शाकू. There's a butter? Yeah. Okay. Onion. पहले मक्खन गया, फिर प्याज गई, फिर करी लीव्स. करी लीव्स. Okay. Then the white pepper. आप अगर घर में बनाना चाहो तो आप बना सकते हो. मैं कोशिश कर रहा हूँ ये चीज़ दिखाने की आपको कि अगर आप white pepper crab घर में बनाना चाहो तो क्या रेसिपी हो सकती है. Then we will the crab. Okay. What is that called as? It is our homemade seasoning. Homemade seasoning? Yeah. Okay, okay. Ma'am. For how long? For about 7 minutes. 7 minutes, yeah. Okay. 7 minutes के लिए इन्होंने ढक दिया है उसे. तो देखा आपने बस 3-4 चीज़ें गई हैं और साथ में उन्होंने एक होममेड सीजनिंग डाली घर की बनी हुई कुछ तो तरल पदार्थ और 7 मिनट के लगभग छोड़ दिया उसको कढ़ाई में पकने के लिए. ओके. Okay. यू डोंट ओवर कुक इट. ओके ओके. What is that? Cornstarch. Say again? Cornstarch. It's a cornstarch. Cornstarch? And sesame oil. Sesame oil. Cornstarch. Wine. That's it. Voila. Awesome. Thank you so much. What was that liquid in that bottle which you poured in? Sesame oil, you said. Sesame oil and Chinese wine. Chinese? Chinese cooking wine. Chinese. Okay. Okay. ये जो हमारा तैयार हो गया है white pepper crab ले जाने के लिए. लीजिए गन्ने का जूस और अपना white pepper crab ले लिया मैंने. और चलिए फिर से वही घर की तरफ वॉक करते हैं और फिर आगे भोग लगाना शुरू करते हैं. घर पहुँच कर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं. यही अपना हर दिन का काम. लीजिए फाइनली हम वॉक करते करते अपने घर पहुँच गए हैं और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हम लेकर आ गए हैं आपका क्राब, वाइट पेपर क्राब. डब्बा खोलता हूँ मैं. उससे पहले मैं इस क्राब पे टूटू, इस केकड़े पे टूटू, दो चीज़ें मुझे बोलने का मन था कि जैसे पहली बात जैसा कि मैंने बोला कि ये वाइट पेपर क्राब है. और इससे पहले मैंने कुछ चंद महीनों पहले एक वीडियो और बनाया था जो था आपका ब्लैक पेपर क्राब का एक्सपीरियंस लेकर सिंगापुर में.
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दे दूंगा उसका, वो देख लीजिएगा। वो ब्लैक पेपर क्रैब का एक्सपीरियंस था और ये आज हम वाइट पेपर क्रैब लेकर आए हुए हैं। पहली बात ये बोली थी मेरे को, दूसरी बात ये बोली थी कि जब मैंने ये वीडियो शुरू किया तो मैंने थोड़ा बोला कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा अपने देसी जनता को भी, क्योंकि आप लोगों ने आई एम श्योर कहते बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने फिरंगी फूड्स व्लॉगर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखा होगा। उसी बात में जो क्योंकि ये बोलना मुझे क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जब मैं अपने नंबर्स देखता हूँ तो ये दिखा मेरे को कि 40% जो व्यूज़ आते हैं मेरे चैनल पे वो आते हैं सब्सक्राइबर्स के कारण, और जो 60% व्यूज़ एज ऑफ नाउ वो आते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो पॉइंट ये था कि अगर आपने इतनी जहमत उठा ली है कि आपने झोले के वीडियोज़ को देखा है तो गुजारिश ये थी कि बस थोड़ी सी जहमत और उठा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस यही बोलना था मेरे को। दो बातें हो गई, चलिए आप कूदते हैं अपने चिली नॉट चिली बट वाइट पेपर क्रैब को। अगेन फैंसी पैकिंग, लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा देखा हो जहाँ से मैंने ऑयस्टर फिश खाई थी उसमें भी अच्छी एक पैकिंग थी और सेम अच्छी सी वो काली काली मिर्च नहीं सफेद मिर्च की खुशबू। लास्ट टाइम की तरह फिर से करेंगे, एक बार मैं कैमरा लेके आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये देखिए। बट लास्ट टाइम की तरह फिर से करेंगे इसको जो है, इसमें प्लेट लेकर बैठा हुआ मैं, इसमें ट्रांसफर करेंगे उसके बाद इस वीडियो को आगे शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे बेसिकली भोग लगाना क्रैब का। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस प्लेट पे निकाल लिया है वो पूरा आपका एक पूरा क्रैब जो मैं लेकर आया हूँ, और साथ में दूसरा प्लेट रखा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली खाएंगे आप तो इसमें आप हर चीज़ नहीं खा सकते, मछली में होता है ये मेजॉरिटी चीज़ आप खा सकते हो, क्रैब में काफ़ी कुछ जो शेल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती है जो कि आप नहीं खा सकते हो। वाइट पेपर क्रैब जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये देख ओ अभी भी अच्छा खासा धुआं निकलता हुआ, क्या बेहतरीन स्वाद लगता है यार ये। मुझे ब्लैक पेपर क्रैब भी आ जाता है, ये वाइट पेपर क्रैब तो थोड़ा और तीखा माना जाता है कंपेयर टू ब्लैक पेपर क्रैब। तो तीखा को जो तीखेपन है उसको सप्रेस करने के लिए मैं आज फिर से गन्ने का जूस लेके आया हूँ। शुरुआत करता हूँ, उससे पहले आपको दाम बता दूँ क्योंकि फिर इसके बाद जब इंडल जाएंगे तो मज़ा को किरकिरा नहीं करना चाहते, दाम शाम बता के। इस गन्ने की जूस की कीमत आज मैंने बड़ा ग्लास लिया हुआ है विदाउट लेमन लिया है, इसकी कीमत जो है आपकी $3.50 यानी कि हो गए लगभग 170-175 रुपये ये गन्ने का जूस, और साथ में आपका ये मड क्राब इंडोनेशियन मड क्राब और वाइट पेपर सॉस में इसकी कीमत आज ये बेसिकली मार्केट प्राइस के हिसाब से होता है, आज इसकी जो कीमत पड़ी मुझे वो है $45 $45 जो कि हो गए लगभग आपके 2,250-300 रुपये, मतलब 2,200 रुपये मान 2,200-300 रुपये मान लीजिए वैसा प्राइस इसका। चलिए, और प्याज जैसे मैंने दिखाया आपको प्याज यूज की गई है, या प्याज शायद छोड़ते हैं एक बड़ा, और जो शेल देख रहे हैं आप इसकी जो मेन शेल है ये देखिए, आह चलिए जो क्लॉ है, और ये देखिए मीट का पहला पोर्शन, भाई क्या सफाई से निकला आप देख रहे हो, कई बार ना जिसको भाई साहब मजा आ गया। और आपने अगर नोटिस किया हो तो जब वो कुक हो रहा था भाई क्या दानेदार, रुकिए हाथ बहुत ज्यादा गंदे होने वाले हैं, ये थोड़ी सी दिक्कत है क्रैब को खाने के कि आपके हाथ थोड़े से थोड़ा कहते हैं ना उसे क्लम्सी भाई, लेकिन आप ये देखिए काफ़ी काफ़ी फ्रेश,
अगर आप रेस्टोरेंट में खाते हो कहीं कहीं फैंसी से रेस्टोरेंट, तो उसमें साथ में क्लिपर्स देते हैं आपको इसको तोड़ने के लिए। बट ऑब्वियसली घर में कुछ चीज़ें होती हैं, बहुतों की कुछ चीज़ें नहीं होती, हमारे घर में नहीं है। वाकई वैसा स्वाद होता है जिसमें आपको उंगलियां चाटनी पड़ जाए। और मुझे लगता है ये शायद थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, क्योंकि बेहतरीन स्वाद मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। और इससे पहले भी मैंने काफ़ी ज्ञान बांट दिया है, तो आई एम श्योर थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा। चलिए एक ये देखिए, क्लॉ देखिए, को तोड़ते हैं। ये देखिए, ओहो क्या 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 भाई, मतलब क्या स्वाद यार आपका। सफेद काली मिर्च बोल लेता हूँ यार, मतलब मैंने कई बार क्या होता है ना, हम इतना यूज्ड टू है काली मिर्च बोलने का, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट होता है, बस थोड़ा सा ये ज्यादा थोड़ी स्ट्रांग होती है कंपेरेटिवली। बट देखिए हाथों की हाल देखिए, ये थोड़ी दिक्कत है आपका प्रॉन्स क्राब खाने में। अंदर ओ लगा अंदर ये भी होता है थोड़ी सी शेल, जो अभी आप खा नहीं सकते हो, बट दाने देखिए क्रैब के साथ यही दिक्कत है कि बड़ी मेहनत का खाना है ये, बट टेस्ट वाकई बहुत बेहतरीन। और स्पेशली ये प्रिपरेशन तो मतलब आई एम नॉट श्योर कि कहते हैं आपका इंडिया में क्रैब की ये प्रिपरेशन मिलती है, मैंने एटलीस्ट नहीं खाई है आपका ब्लैक पेपर या वाइट पेपर क्रैब प्रिपरेशन। तो अगर मिलती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कौन से इलाके में इंडिया में आपने इस तरह की ब्लैक या वाइट पेपर क्रैब खाया है। बट अगर आप सिंगापुर घूम रहे हैं तो, और अगर आप क्रैब खाते हैं, अगर आप सी फूड के शौकीन इंसान हैं, तो यकीनन यकीनन ये ऐसी चीज़ है जिसमें आपको डुबकी लगाना बनता है। वाइट पेपर क्रैब, ब्लैक पेपर क्रैब और चिली क्रैब, तीन फेमस प्रिपरेशंस हैं सिंगापुर में क्रैब को लेकर, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और शायद अगर मैं पूरा खाता रह गया तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो शायद अभी मुझे, मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा। आराम से भाई, लंबा सफ़र है क्राब मेरा इस। ये काफ़ी लंबा समय कह रहा था कि काफ़ी लंबा सफ़र है इसको क्राब को ख़त्म करने में, और हमारा सफ़र लंबा है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। आई होप यार रुका नहीं यार, ये देखे ओ भाई, ये देखे बहुत ख्वाहिश है मेरी जापान जाके, क्या कहते हैं आपके किंग क्रैब, और काफ़ी हद तक जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जापान है वहाँ पे बहुत ही सही क्रैब मिलते हैं। तो आई होप मौसम सुधरता है और जाने का मौका मिलता है झोले को, तो आपको बहुत ही बेहतरीन क्रैब ज़रूर दिखाएगा झोला। मैं फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगली बार आपको एक और नए सफरनामे पर, तब तक घूम ही आवारा है।